तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रिज का वायोमीटर किस प्रकार से चेक किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ स्टेप ऐसे बताए हैं कि इसको फाइनली आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि खराब है या सही। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वायोमीटर फ्रिज के अंदर से इस प्रकार का आपको कुछ दिखाई देगा कि अंदर एक सेंसर से लगा हुआ है। ठीक है, फ्यूज वो भी बोलते हैं इसको, फ्यूज भी बोल सकते हैं, सेंसर वो भी बोल सकते हैं, सेंसर से लगा हुआ है इसको वायोमीटर बोलते हैं। अगर ये पन्नी के अंदर बंदा है तो इसको वायोमीटर बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये थर्मोस्टेट का भी काम करता है, थर्मोस्टेट हो या फिर वायोमीटर हो, बात एक ही है। ठीक है, ये थर्मोस्टेट का भी काम करता है, मान लो कि ये थर्मोस्टेट है, काम वही है वायोमीटर का भी जो थर्मोस्टेट करता है, यानी कि किसी में वायोमीटर लगा हुआ होता है, किसी में थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसको सर्टिफाइड करना है कि ये खराब है या सही है। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, इस प्रकार की एक कंटिन्यूटी लेनी होगी, कंटिन्यूटी कुछ इस प्रकार से ग्लो करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कंटिन्यूटी इस प्रकार से ग्लो करनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इसके चेक करने के लिए दो स्टेपों में दोस्तों ये चेक किया जाता है। पहला मैं 50% बताता हूँ कि 50% कैसे सर्टिफाइड करें कि ठीक है, और 100% कैसे सर्टिफाइड करें कि ठीक खराब है सही है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को 100% वाली बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसका जो हमारा वायोमीटर का एक तार है वो कंटिन्यूटी के एक उस पर ऊपर कोने पे लगा देना और इधर की साइड लगा देना। तो जैसे ही दोस्तों आप इस प्रकार से लगाएंगे तो हमारी जो कंटिन्यूटी है दोस्तों वो इस प्रकार से ग्लो करने लगेगी, क्या करने लगेगी, इस प्रकार से ग्लो करने लगेगी। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ग्लो। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारी जो वायोमीटर वो 50% एकदम ठीक कहलाया जाएगा कि हाँ भाई 50% ठीक है। अब सर्टिफाइड होना है कि बिल्कुल इसको ठीक कैसे करें कि खराब है या सही है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बर्फ का टुकड़ा लेना है या फ्रिज का एकदम ठंडा पानी लेना है, क्योंकि एकदम चिल्ड पानी है। ठीक है, ठंडा पानी लेना है चिल्ड। अब आप लोगों को दोस्तों करना क्या है, ये वाला जो बायोमीटर है, बायोमीटर का एक तार जिस प्रकार से आपने लगाया था इस प्रकार से लगा देना है, दूसरा तार आपकी जो कंटिन्यूटी है वो इस प्रकार से ग्लो हो जाएगी। ठीक है, ग्लो हो जाएगी। अब जो बायोमीटर है उसको आप ठंडे एकदम चील पानी में इस प्रकार से घेर देना आप लोगों को। ठीक है, जैसे ही घेरोगे तो दोस्तों आपका जो बायोमीटर है वो कट कर जाएगा। ठीक है, कुछ देर बाद जो बायोमीटर है आपका वो कट कर जाएगा और कंटिन्यूटी हमारी बंद हो जाएगी। अगर इस कंडीशन में दोस्तों हमारी कंटिन्यूटी बंद होती है तो मान लीजिए आपका जो वायोमीटर है यानी कि थर्मोस्टेट है वो दोस्तों एकदम ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस प्रकार से कुछ लगाए रखेंगे और कुछ समय में ये हमारी जो कंटिन्यूटी है दोस्तों वो बंद होनी चाहिए। अगर बंद हो गई तो दोस्तों हमारी जो वो है वायोमीटर एकदम ठीक है, अगर नहीं होती है बंद तो दोस्तों हमारा इस कंडीशन में वायोमीटर ख़राब है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो वायोमीटर का वो है वो कट मार चुका है और हमारी कंटिन्यूटी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारी जो बायोमीटर है वो ठीक है और कंटिन्यूटी हमारी बंद हो रही है, चालू हो रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है, यानी कि जिसको हमने बाहर निकाल दिया है। अगर इसको अंदर डालेंगे उसी टेम्परेचर पर रखेंगे तो छोटी छोटी छूट गई, उसी टेम्परेचर पर रखेंगे और कुछ देर बाद दोस्तों ये हमारी फिर कट मार जाएगी। अगर बाहर निकालेंगे, बाहर थोड़ी देर बाद इसको गर्म थोड़ी गर्माई सी मिलेगी और हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होगा तो हमारी कंटिन्यूटी फिर से जलने लग जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप पता कर सकते हैं कि हमारी कंटिन्यूटी ख़राब है, यानी कि वायोमीटर सही है या खराब। तो दोस्तों कुछ प्रकार इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं कट हो रही, कुछ समय बाद दोस्तों हमारी जो कंटिन्यूटी है वो अपने आप बंद हो जाएगी और हमारा जो ये तार यानी कि वो कट मार जाएगी। अगर थर्मोस्टेट दोस्तों थर्मोस्टेट कट मारती है तो हमारी कंटिन्यूटी बंद होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारी कंटिन्यूटी बंद हो चुकी है और थर्मोस्टेट कट मार चुके हैं। ठीक है, अब कुछ देर इसको बाहर निकाल के इस प्रकार से रख देते हैं। यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों हमारी कंटिन्यूटी यहाँ है और पानी से बाहर, जैसे ही इसका तापमान हल्का होगा और हमारा तापमान हल्के होने के बाद तो दोस्तों हमारी कंटिन्यूटी दोबारा से गीले करने लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो कंटिन्यूटी है फिर ग्लो करने लग गई है, इसका तापमान फिर से ही उतना आ गया है। तो इस प्रकार से आप इसको सर्टिफाइड कर सकते हैं कि दोस्तों ये खराब है या सही है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मैं मानता हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।